नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू अनिजरिया स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल KBC स्पार्क इंडिया पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में जितनी भी महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, किस राज्य से हुई हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टियों से हुई हैं, कौन सी सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, किसका सबसे कम रहा है। बहुत से क्वेश्चन मैंने अलग अलग एंगल से बनाए हैं, 15 की 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो KBC में आ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके भी आप हमको बता सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। दोस्तों, अगर ये 15 प्रश्न आपने अच्छे से कर लिए तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी नंदिनी सतपथी, ऑप्शन सी शशिकला काकोड़कर और ऑप्शन डी अनवरा तैमूर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आप भी जानते होंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो हर कोई याद करके ही रखता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? ऑप्शन ए गोवा, बी असम, सी ओडिशा और डी तमिलनाडु। किस राज्य में बनी थी पहली महिला मुख्यमंत्री भारत की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम। अनवरा तैमूर असम की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और वो भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो 1980 से 1981 तक असम की मुख्यमंत्री रही थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकी राजनीतिक पार्टी थी। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस पार्टी के बाद किस राजनीतिक पार्टी ने भारत को पहली महिला मुख्यमंत्री दी है? यानी पहले जो कांग्रेस की महिला मुख्यमंत्री बनी थी उसके बाद फिर किस राजनीतिक पार्टी ने अपनी पहली महिला मुख्यमंत्री दी है? तो ऑप्शन ए AIADMK, बी BSP बहुजन समाजवाद पार्टी, सी राष्ट्रीय जनता दल और डी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी। शशिकला काकोड़कर इसी पार्टी से गोवा की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, महिला मुख्यमंत्री, और ये 1973 से 1979 तक गोवा की मुख्यमंत्री रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस राज्य में 2 महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी बिहार। वो स्टेट निकालना है, वो राज्य निकालना है जिसमें 2 महिला मुख्यमंत्री नहीं रही हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बिहार। दिल्ली में पहले सुषमा स्वराज बनी थी पहली मुख्यमंत्री, उसके बाद शीला दीक्षित। उत्तर प्रदेश में पहले सुचेता कृपलानी रही थी मुख्यमंत्री, उसके बाद मायावती, और तमिलनाडु में जानकी रामचंद्रन और उसके बाद जयललिता मुख्यमंत्री बनी है, और बिहार में केवल एक ही महिला मुख्यमंत्री बनी है, राबड़ी देवी। तो इसका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसका मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल सबसे कम रहा है? ए सुषमा स्वराज, बी जानकी रामचंद्रन, सी राजेंद्र कौर भट्टल और डी अनवरा तैमूर। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी KBC में पूछे जाएंगे क्योंकि महिला मुख्यमंत्री उसे हर बार पूछे जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जानकी रामचंद्रन। ये केवल 23 दिन के लिए मुख्यमंत्री रही थी तमिलनाडु की, और सुषमा स्वराज 52 दिन के लिए मुख्यमंत्री
रही थी दिल्ली की, और राजेंद्र कौर बट्टल ये पंजाब की मुख्यमंत्री रही थी 83 डेज के लिए, और अनवरा तैमूर ये आसाम की मुख्यमंत्री रही थी 206 दिन के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस विधानसभा सीट से चुनी गई थी, यानी लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी। दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के नहीं हैं और आप 1 करोड़ या 7 करोड़ के प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस टाइप का हो सकता है, क्योंकि हम भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब वो मुख्यमंत्री बनी थी तो वो कौन सी विधानसभा सीट से जीत कर गई थी। ए महेंद्रगढ़, सॉरी मेंदावल, बी बरेली, सी छापरौली, डी हैदरगढ़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए मेंदावल। इस लिस्ट में देखिए, जब गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री बने थे तो वो बरेली से विधानसभा सीट से जीते थे, राजनाथ सिंह हैदरगढ़ से, और चौधरी चरण सिंह छापरौली विधानसभा सीट से जीते थे जब वो मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महिला मुख्यमंत्री को ताई के नाम से भी जाना जाता है। ए जयललिता, बी शशिकला, सी उमा भारती और डी ममता बनर्जी। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों केबीसी में पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शशिकला। इसमें जयललिता को अम्मा के नाम से जानते हैं और ममता बनर्जी को दीदी के नाम से भी पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी महिला मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट रह चुकी है। ए शीला दीक्षित, बी सुषमा स्वराज, सी नंदिनी शतपथी, डी अनवरा तैमूर। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज 1973 में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट रह चुकी हैं, और इन्होंने अपना जो जीवन काल है, जो प्रोफेशनल जीवन काल है, वो एडवोकेट से ही शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस महिला मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, यानी ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से ही हमें निकालना है कि सबसे लंबा कार्यकाल इनमें से किसका है। ऑप्शन ए ममता बनर्जी, बी मायावती, सी राबड़ी देवी, डी वसुंधरा राजे। दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर ओवरऑल देखें तो वो तो हर कोई याद कर लेता है, लेकिन आप अच्छे प्रश्न के लिए तैयारी कर रहे हो, ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी वसुंधरा राजे। ये लिस्ट देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है किसने कितने दिन, किसका कितने दिन कार्यकाल रहा है। इसमें ममता बनर्जी अभी भी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, तो वो उनका कार्यकाल बढ़ता रहेगा। और जो सबसे ज़्यादा यदि ओवरऑल देखते हैं तो ये देख लीजिए, शीला दीक्षित का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है, और उसके बाद रहा है जयललिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लॉन्गेस्ट सर्विंग महिला मुख्यमंत्री, यानी सबसे ज़्यादा जिसका लंबा कार्यकाल रहा है, वो किस राज्य की गवर्नर रह चुकी हैं। अब आपको ये तो पता ही है कि सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री के रूप में शीला दीक्षित का। अब इसका आंसर ये निकालना है वो किस राज्य की मुख्यमंत्री, वो सॉरी गवर्नर भी रही हैं। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी मध्य प्रदेश और डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी केरल। ये मार्च 2014 से अगस्त 2014 तक केरल की गवर्नर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसुंधरा राजे और विकसित राजस्थान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए वसुंधरा राजे, बी विजय नाहर, सी मजूमदार, डी स्मिथ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी विजय नाहर। ये एक इतिहासकार हैं, इन्होंने हाल ही में ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी महिला मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक पार्टी की जनक यानी फाउंडर भी हैं।
ए मायावती, बी ममता बनर्जी, सी शशिकला काकोड़कर, डी जयललिता। यानी जो मुख्यमंत्री जिस पार्टी से रही हैं वो पार्टी उस महिला मुख्यमंत्री ने ही बनाई हुई है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई थी 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी महिला मुख्यमंत्री किसी भूतपूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है? ए नंदिनी शतपथी, बी शशिकला काकोड़कर, सी जानकी रामचंद्रन और डी मायावती। इस टाइप के क्वेश्चन केबीसी में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछने लायक है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी प्रधानमंत्रियों से पूछा गया था जब विश्व के महिला प्रधानमंत्रियों की बात हो रही थी, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शशिकला काकोड़कर। ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दयानंद बंडोड़कर की बेटी हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती भी पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं। तो दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस चुनाव चिन्ह वाली राजनीतिक पार्टी से भारत में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है? तो दोस्तों इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, आप और अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये चुनाव चिन्ह दिए हुए हैं, इनमें से ये पहचानना है कि जो जितनी भी महिला मुख्यमंत्री रही हैं उनकी पार्टी का इनमें से कौन सा चुनाव चिन्ह नहीं रहा है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसमें ऑप्शन बी जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, जनता पार्टी से अब तक भारत में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है। ऑप्शन ए ये तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है और जो ऑप्शन सी है ये राष्ट्रीय जनता दल का रहा है जिसकी राबड़ी देवी बनी थी, और जो ऑप्शन डी है ये महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाई गई महिला मुख्यमंत्री को पहचान है? दोस्तों ये चित्र केवल एजुकेशनल पर्पज से लगाया गया है और इसका कोई मकसद नहीं है। ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, बी नंदिनी शतपथी, सी जानकी रामचंद्रन, डी शशिकला काकोड़कर। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नंदिनी शतपथी। ये 1972 से 1976 के बीच दो बार उड़ीसा की मुख्यमंत्री रही थी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।